हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सर? दोस्तों, गूगल के एआर स्टिकर्स के बारे में तो आपने जरूर से सुना होगा, और यहाँ पर आपको पता है भाई, गूगल के जो एआर स्टिकर्स हैं कितने ज़्यादा कमाल के हैं, पिक्सल डिवाइसेस के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि आप कैसे जो है गूगल के प्लेग्राउंड स्टिकर्स को जो है अपने असस के ZenFone Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 स्मार्टफोन के अंदर जो है कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड इस मेथड को आप यहाँ पर अपने किसी और एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो है यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी जो है ज़रूर से जो है गूगल के प्लेग्राउंड स्टिकर्स जो हैं काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पर गूगल के प्लेग्राउंड स्टिकर्स को अपने असस के ZenFone Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 स्मार्टफोन के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको गूगल प्लेग्राउंड स्टिकर्स को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो है यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम को जो है इंस्टॉल करना होगा, एंड उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना दिया है, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर से वॉच कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो आप आई बटन में से उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ ऐप्स को जो है आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। सिंपली आपको जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर सर्च कर लेना है गूगल AR। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली इस फर्स्ट वाले ऐप को जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, जो कि गूगल प्ले सर्विसेज फॉर AR। सिंपली आपको इसे जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको एक और लिंक दी है जो कि है गूगल प्लेग्राउंड की। आपको सिंपली उस लिंक में से जो है गूगल प्लेग्राउंड को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका गूगल प्लेग्राउंड जो है इंस्टॉल हो जाएगा आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो दोस्तों जैसे ही आपका गूगल प्लेग्राउंड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी आपको स्टिकर पैक यहाँ पर ट्राई करना है गूगल AR का, आपको सिंपली उसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको गूगल के जो भी प्लेग्राउंड के जो भी स्टिकर्स होते हैं सपोर्टेड वाले, उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप कोई भी यहाँ पर स्टिकर पैक जो है इंस्टॉल कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते, तो यहाँ पर मैंने डेमो के लिए जो है मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर ये वाला मावल का जो है गूगल AR का जो स्टिकर पैक है उसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जो चाहे स्टिकर पैक यहाँ पर डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्टिकर पैक जो है इंस्टॉल हो गया है मेरे स्मार्टफोन के अंदर। तो चलो मैं गूगल कैमरा को जो है आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, अब अगर आपको यहाँ पर गूगल प्लेग्राउंड को यहाँ पर यूज़ करना है, तो सिंपली अपने गूगल कैमरा को यहाँ पर ओपन कीजिए, यहाँ पर मोर के अंदर आओ, और यहाँ पर आपको एक नया टॉगल दिखने को मिल जाएगा प्लेग्राउंड का। सिंपली यहाँ पर इस पर टैप करो, एंड जो भी सारी परमिशंस हैं सिंपली उनको अलाउ करो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे सारी परमिशंस को अलाउ करने के बाद आपको एक बार इसका जो है एक डेमो ट्राई कर लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जो है इसका एक डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया मैंने मावल के जो स्टिकर्स हैं उसको इंस्टॉल करके रखा है। चलिए हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर रॉकेट को। तो भाई देख सकते हो रॉकेट यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ये कह रहा है भाई अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो भाई रॉकेट भी बोल रहा है अब तो चैनल को सब्सक्राइब करने को, तो अभी तो सब्सक्राइब कर ही डालो चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर लेना। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इसके कुछ और भी एक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपली इस पर जो है यहाँ पर टैप करोगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर इसके तीन ये एक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर इस रॉकेट के ऊपर जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले पर सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर इस पर टैप करूँगा, तो ये हंसना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे स्टिकर्स के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हल्क हो गया, आयरन मैन हो गया, एंड यहाँ पर आपके पास और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाई ऑप्शन है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे स्टिकर्स के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेदर हो गया, एंड यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल स्टिकर्स भी आते हैं प्लेग्राउंड के साथ, तो आप उनको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एंड आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे स्टिकर्स को भी जो है इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी स्टिकर जो है इंस्टॉल करने के टाइम यहाँ पर आपको दिखा दे कि भाई आपके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पर स्टिकर पैक को जो है मैन्युअली साइड लोड कीजिए apkmirror.com से। और यहाँ पर मैं आपको एक बार पिकाचू भी लेके दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर पिकाचू अब देख सकते हो भाई यहाँ पर पिकाचू आ चुका है। तो भाई आप देख सकते हो पिकाचू यहाँ पर नाच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टिकर को यहाँ पर रिमूव करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर इसे ड्रैग कर सकते हो ऊपर डस्टबिन पर, या फिर सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट मेन्यू के अंदर आप टैप कर लो क्लियर द सीन पे, उसके बाद जो भी सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो गूगल प्लेग्राउंड को अपने असस के ZenFone Max Pro M1 और Max Pro M2 स्मार्टफोन के अंदर। तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ पर कौन सा स्टिकर पैक जो है पसंद आया,
और यहाँ पर अपने फेवरेट स्टिकर्स के साथ फोटोज़ को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि भाई अभी के लिए जो सेल्फी मोड है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा इज़ अनअवेलेबल क्लोजिंग द प्ले ग्राउंड फॉर नाउ। तो यहाँ पर अभी के लिए हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो है यहाँ पर सेल्फी मोड के अंदर प्ले ग्राउंड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप बैक कैमरा में जो है प्ले ग्राउंड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो ट्रिक है सिर्फ काम करने वाली है पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम यूज़र्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कस्टम रोम को यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर जल्दी मैं एक और ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा इसका, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जो है इसे स्टॉक रोम में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप उस ट्यूटोरियल के लिए भी जो है ज़रूर से स्टे ट्यून करना। एंड यहाँ पर दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के लिए इतना ही था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई है मैंने मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 यूजर्स के लिए, तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कर सकते हो, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और वीडियोस के लिए। एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना और वहां पर ऑल जरूर से सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। एंड अगर आपको इस ट्रिक को परफॉर्म करने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज @androidrush पर DM कर सकते हैं, मैं वहां पर आपका जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित कुकरेजा, आप देख रहे हैं द एंड्रॉयड रश यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।